इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। मुगेली जिले के अंतर्गत आने वाले मंदकू द्वीप में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय सद्भाव यज्ञ का आयोजन किया गया था। 2 मार्च से शुरू हुए इस महायज्ञ में आसपास के 30 से भी ज्यादा गांव के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ सामाजिक सद्भाव यज्ञ एवं सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। महामाया मंदिर मदकू से प्रातः बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा के सामने भगवा ध्वज लिए युवकों की टोली चल रही थी और इस कलश यात्रा का जगह जगह आतिशबाजी के साथ स्वागत भी किया गया। इस कलश यात्रा में ठेल की बासिन, चंदखुरी, मधवानी, लमती, मदकू, बड़ियाडी, देवाकर, अकोली, परसवानी, कुम्हार खान, दतरेंगी, कड़ार, कोटमी, जरहागांव, मगरघटा, चिचोली सहित 30 से भी अधिक गांवों की बालिकाएं एवं महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिया। कलश यात्रा के यज्ञ मंडप में पहुंचने पर घट स्थापना की गई। सामाजिक सद्भाव यज्ञ में विभिन्न समाज के जोड़े यजमान के रूप में सम्मिलित रहे और कार्यक्रम के तीसरे दिन हवन के साथ समापन किया गया। ये जो क्षेत्र है बहुत पुराने समय से एक सामाजिक सद्भाव के रूप में रहा है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पवित्र क्षेत्र है। अपने वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि जहाँ पर नदी ईशान कोण पे मूर्ति है, नॉर्थ ईस्ट पे, वो पवित्र होता है। तो यहाँ पर शिवनाथ आके दो धार में बटती है, बीच में ये द्वीप है जहाँ हम बैठे हैं और उसके बाद फिर वो ईशान कोण पे ऐसा मुड़ी है, वो 22 डिग्री पे है। तो ये उस प्रकार से पवित्र क्षेत्र है और पूरे भारत में सिर्फ 2 ही द्वीप हैं, नदी वाले द्वीप। समुद्र द्वीप बहुत हैं लेकिन नदी वाले सिर्फ 2 ही द्वीप हैं, उसमें एक ये मदकू द्वीप है जहां हम हैं और एक असम में है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सामाजिक सद्भाव का एक पवित्र क्षेत्र तो है लेकिन साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव का, इसका नाम अभी हम कहते हैं श्री हरिहर क्षेत्र। पथरिया से नारायण बंजारे और राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।